कोरोना वायरस महामारी के बीच लागू लॉकडाउन को 55 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच लॉकडाउन 3.0 के दौरान कुछ रियायतें दी गई, जिसमें जरूरी उपभोक्ताओं वस्तुओं के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में ये दुकानें खोली गई। आज क्लॉक टावर थाना और अलवरगेट थाना इलाके के कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में से कुछ स्थानों से कर्फ्यू हटा लिया गया, जिसके चलते वहां के दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली। वहीं दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वह दुकानें कब और कैसे खोलें। इसे लेकर स्टेशन रोड व्यापारिक एसोसिएशन और कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी और दुकानदार आज क्लॉक टावर थाना प्रभारी से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद कचहरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि फिलहाल प्रशासन में भी असमंजस की स्थिति है, जिसे लेकर कोई साफ गाइडलाइन दुकानदारों को नहीं बताई गई। वहीं दुकानदार दुकानों की साफ सफाई करने लगे हैं। कुछ दुकानें खोली गई हैं और कुछ खोली जाएंगी। आज जिस तरह आपको मालूम है, अजमेर शहर के कचहरी रोड के व्यापारी, स्टेशन रोड के व्यापारी, मैं स्वयं अध्यक्ष अजमेर व्यापार संघ नरेंद्र सिंह छाबड़ा, अब 10-12 व्यापारियों ने जाकर क्लॉक टावर थाना CI साहब से मुलाकात करी। उनसे ये पूछा कि सरकार के पत्राचार अखबारों के माध्यम से पता पड़ रहा है कि लॉकडाउन में ढील दी गई है और कुछ कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को भी खोला गया है। तो आज CI साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि हमारी साइड का जो एरिया आधा वो कर्फ्यू के अंदर, उसको नहीं खोला गया। जो स्टेशन साइड की दुकानें हैं, मार्टन बीच से लेकर कचहरी रोड तोपदड़ तक, ये दुकानों को खोला गया, लेकिन उनमें भी उनको कन्फ्यूज़ है। पुलिस डिपार्टमेंट भी ये कन्फर्म है उनको क्या खोलना क्या नहीं खोलना। जैसे हमने सवाल रखा कि साहब, जैसे आप कह रहे हो कि रिचार्ज की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें ये खुल जाएंगी, तो मैं कहा जी मोबाइल की दुकानें, तो कहना मोबाइल की दुकानें नहीं खुलेंगी। अच्छा, तो रिचार्ज हो गया ना, रिचार्ज वाले मोबाइल बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इसका हमें पता नहीं, आप तो खोल लो और बेच लो। अच्छा, जबकि पुलिस प्रशासन के जो छोटे अधिकारी हैं सही लेवल के, उनको ये तक ही मालूम नहीं है क्या गाइडलाइन है क्या नहीं है। तो व्यापारी में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। फिर भी उनके अच्छे हमारे साथ वार्ता हुई, हमारे अच्छे उन्होंने बात सुनी, हमने भी उनको बताया और सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन का भी उनको अवगत कराया। कुछ उनको मालूम है, कुछ हमने अपने विचार रखे, इस तरफ अपने विचार रखे। उनका जो हमारे साइड का क्लॉक टावर साइड का एरिया है, उसको आप खोल लीजिए दुकानों को। तो आपने क्या निर्णय लिया फिर खोलने का? अब व्यापारी ने बोला अभी, अभी जो व्यापारी बेचारे 2-3 दिन दुकानें सफाई करने में, कुछ व्यापारी तैयार हुए हैं, कल से कुछ दुकानें खुल जाएंगी और कुछ व्यापारी अभी दुकानों की सफाई करने में लग रहे हैं। फिर आगे जैसे प्रशासन का आदेश होगा वैसे हमको करना है, और हमको प्रशासन के आदेश के अनुसार ही काम करना है। लॉकडाउन का हमको या सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करना है, अपने को बचाना है, कोविड को भगाना है, ये जो महामारी फैली हुई कोरोना की, इसको भगाना है, और हमको जीतना है और अपना व्यापार भी करना है और देश को आगे बढ़ाना।